हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लूडो गेम ट्यूटोरियल को, और आज हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लूडो गेम ट्यूटोरियल को, और आज हम लोग थोड़ी सी अपने गेम में सेटिंग्स करेंगे। जैसे कि पहले ये जो हम लोगों का कैनवास है, इस पे हम लोगों ने बटन में जो चीजें की हैं, इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि हमने इसके स्केल को डिस्टर्ब कर दिया है। तो हमें स्केल को नहीं डिस्टर्ब करना था, हमें इसके विड्थ और हाइट को चेंज करना चाहिए था। तो स्केल अगर आप चेंज करेंगे तो आपकी इमेज थोड़ा सा ब्लर हो सकती है, बहुत बेकार सी लग सकती है। इसलिए इमेज को एज इट इज रहने दें, स्केल को केवल आप चेंज करेंगे विड्थ में। तो विड्थ में आई थिंक ये विड्थ मैंने देखा ठीक थी, और 20.66 ठीक है। तो मैं ये विड्थ ले रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी विड्थ इसकी ले सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर आए बटन्स पे, तो बटन में भी हमने स्केल के साथ चेंजेस कर दिए। तो स्केल को 1 ही रखेंगे, स्केल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, विड्थ और हाइट में चेंज करेंगे। तो विड्थ एंड हाइट जो हमारी होनी चाहिए, विड्थ और हाइट, हाइट कहाँ गया? विड्थ 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 यहाँ पे, हाइट 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 सेंटर, ठीक है ये आ गया अभी हाइट। अब ये हमें हाइट चाहिए होगी, है ना? तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, या ठीक है मैं इस हाइट के साथ जाता हूँ, 260.643। तो ये हाइट ही हम इसकी भी रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये बॉटम है, अलाइनमेंट है, तो यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वो गायब हो जाएगी हाइट। अच्छा स्केल, स्केल भी तो 1 करिए, है ना? और यहाँ पे आपकी हाइट हो जाएगी, अब ये अच्छा लगेगा। ये पहले बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत सा खराब सा इमेज दिख रहा था। तो यहाँ पे आते हैं इसकी हाइट, और यहाँ पे आपका स्केल को हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे, 1 कर देंगे। देन इसी तरह फोर्थ वाले पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। और इसको हम कर सकते हैं ये यूं इस तरह से, इसका भी स्केल सेम कर देते हैं 1 1। तो ये देखिए इस तरह हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम चाहें तो अपना रीअरेंज कर लेते हैं सेम व्यू में आके। अगर हमको यहां से करना हो, और ये दोनों हो जाएंगे, तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, और आई थिंक अभी ठीक है, हम ऐसे ही रहने देते हैं और ये ठीक है। तो एक सेटिंग ये हो गई। और जो हम लोगों का डाइस रोल वाला स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट में आते हैं, डाइस रोलिंग, डाइस रोलिंग डाइस में यहाँ पे जो ये टाइम हमने लिया है 0.8,
इसको 5 कर दें, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा कर लीजिएगा। मैंने जो साउंड लिया है वो 5 यानी आधे सेकंड में कंप्लीट हो जा रहा है, तो मुझे इसका एनिमेशन भी 5 सेकंड ही चाहिए। आपका अगर साउंड बड़ा है या छोटा है तो उस हिसाब से आप इसकी वेट टाइम रखिएगा। चलिए, ये दो चीजें तो हो गई। अब अगर हम इसको रन करें, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे आए और रन करें, तो ये ठीक है, बढ़िया दिख रहा है और इस तरह से प्ले हो रहा है। वेट प्ले हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जब ये प्ले हो तो यहाँ पे एक होम का बटन हो और यहाँ पे एक साउंड क्लोज करने का भी बटन हो, कि अगर मैं खेलते खेलते मुझे बैक जाना है, गेम क्वाइट करना है, तो मैं कर सकूं, है ना। तो उस चीज को आइए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम कैनवास को इनएक्टिव कर देते हैं और गेम को पैनल को एक्टिव कर लेते हैं, ताकि हमें यहाँ विजिबल हो चीजें। अब हम यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम देते हैं होम। होम होम होम, ओके, ये हमारा होम ऑब्जेक्ट हो गया। इस पे हम एक बॉक्स कोलाइडर लगाते हैं, या आप तो वेट वेट इसको डिलीट, ये हम ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, इसकी जगह पे हमें इमेज चाहिए। जैसे कि होम के लिए मैंने आइकन लिया, फिर साउंड के लिए ले रखा है, तो ये मैं आइकन्स को वहां पे ड्रॉप करूंगा अपने यहाँ पे टेक्सचर में और यूआई के अंदर यहाँ पे। अब इस चीज को करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ से उठा के इस पे, और ये लोड हो जाएगा। देन इनको प्रीफैब बना देना है स्प्राइट 2D में कन्वर्ट करके। हाँ, अभी ये स्प्राइट 2D में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होम आ जाएगा। यहाँ पे प्लेन दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे गलती से क्लिक कर दिया होगा। और अब हम इसके साइज को सेट कर सकते हैं, 0.03 दोनों में रख देंगे। एक छोटा सा होम बन जाना चाहिए और इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, काफी छोटा है बट इतना ही चाहिए क्योंकि वहां जगह भी तो अपने पास नहीं है। आई थिंक गेम व्यू में, हाँ ठीक है, सफिशियंट। और अगर रखना है तो थोड़ा सा और कर सकते हैं, 0.4 या 0.4, ठीक है, अभी चाहिए। इसी तरीके से अब हमको अपना ये जो है ना, इसको तो हम यहाँ पे होम बना दिए। इसके बाद यहाँ पे एक न्यू एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम देंगे साउंड। आई थिंक साउंड साउंड ही ठीक रहेगा, तो इसको रीनेम कर देते हैं, रीनेम कर देते हैं साउंड। ठीक है, और साउंड को इस पे ले जाएंगे। देन चाहे तो हम इसको प्रीफैब बना सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या रहने दें। ठीक है, इसको रहने देते हैं। और चाहे तो प्रीफैब जो हमारा यहाँ पे था ना सारा, या यूआई के अंदर कुछ कर तो सकते हैं, बट हम सिंपली साउंड को यहाँ पे रखते हैं, म्यूट वाले को, और इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सफिशियंट है इतना ही। ठीक है, अब हम होम पे आते हैं और होम पे एक बॉक्स कोलाइडर 2D ऐड करते हैं। बॉक्स कोलाइडर 2D ऐड करते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ।
इसकी पोजीशन को सेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहां से आते हैं ऊपर, देखते हैं अगर ये बॉक्स कोलाइडर जो 2D हमने इस पे लगाया, इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ जा रहा है? ये विजिबल नहीं है। ओके, यहाँ पे विजिबल होगा ना। ठीक है, एकदम सफिशियंट है, सही है। इसी तरीके से जो हमने ये साउंड लगाया था, साउंड लगाया था, साउंड गया कहाँ? साउंड लगाया, इसके पहले पोजीशन सेट करिए। ओके, रीसेट, यहाँ से रीसेट, और इसकी पोजीशन यहाँ पे है। तो गलत है, इसको भी हम लोग यहाँ लाएंगे और इधर ही कहीं पे इसको भी सेट करेंगे। जिस पोजीशन पे ये है ना, सेम वाई एक्सिस इसका भी रख देते हैं, वाई एक्सिस इसका, ऐसा क्यों कि जेड इंडेक्स 0 या कुछ भी हो जाए, लेकिन 5.7 वाई है। ठीक है, इसको इधर रख देते हैं। एक्चुअली इनको भी तो रीसेट करना पड़ेगा ना, अब देखते आएगा। इनको रीसेट की, अब साउंड को हम क्या करेंगे, 5 पॉइंट जो भी था समथिंग यहाँ पे ले आएंगे। तो वाई एक्सिस सेम हो गया, और अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो 4.69 आपका हो जाएगा प्लस में। प्लस में 4.69 प्लस में जगह 2 या 0 मान लो, ठीक है, यहाँ पे है। और अनम्यूट वाले को हम पहले डिसेबल कर देते हैं। ओके, म्यूट वाले को डिसेबल कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और इस पे भी हम बॉक्स कोलाइडर 2D एक ऐड कर देते हैं। काफी ज्यादा बड़ा है, इसको छोटा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे साइज में, साइज में। ठीक है, होम वाले में तो ठीक है, साउंड भी अब ठीक हो गया है। अब इनकी हम स्क्रिप्टिंग कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। स्क्रिप्ट कैसे बनाएंगे? दो स्क्रिप्ट हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी, C# स्क्रिप्ट, एक होम स्क्रिप्ट, और एक स्क्रिप्ट और बनानी पड़ेंगी जो कि होगी साउंड। ओके, अब जो होम वाली स्क्रिप्ट है, होम वाली स्क्रिप्ट है, ये हमारा बॉक्स कोलाइडर 2D था, इस पे हम होम स्क्रिप्ट को लगा देंगे, और जो हमारी साउंड वाली स्क्रिप्ट है इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो इधर फ्रंट एंड का काम अपना डन है। जस्ट अब हमें क्या करना है, स्क्रिप्टिंग करनी है। इसको रिलोड ऑल करते हैं, हमारे पास दो स्क्रिप्ट और आ जाएंगी, होम स्क्रिप्ट एंड साउंड स्क्रिप्ट। पहले हम होम बनाते हैं कि क्लिक करने पर हमारा गेम क्लोज कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, है? एक है पब्लिक, पब्लिक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, गेम ऑब्जेक्ट मेन पैनल, मेन पैनल। इसी तरीके से हम और गेम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं,
जो होगा गेम पैनल, गेम पैनल ओके, मेन पैनल और गेम पैनल। फिर इन दोनों को कि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बॉक्स कोलाइडर 2D लगा है तो आप जानते हैं पब्लिक वाइड ऑन माउस डाउन पे ये आपका वर्क करता है, ऑन माउस डाउन ये मेथड आपका काम करेगा। ऑन माउस डाउन आपको जो ये रोलिंग डाइस थी यहाँ पे भी देखिए ऑन माउस डाउन ये जो फंक्शन था उसी सेम मेथड को यहाँ पे लिखना है, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। देन मेन पैनल डॉट सेट एक्टिव जो है ये हमारा ट्रू हो जाएगा मेन पैनल का, और गेम पैनल का गेम पैनल डॉट सेट एक्टिव यहां से हम फॉल्स कर देंगे। और अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं ओके, यहाँ पे अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें गेम पैनल को इनएक्टिव करना है और कैनवास को एक्टिव करना है, तो हम इसको रन करते हैं। और अगर मैं गेम पे आऊं देन अगर मुझे होम पे जाना है ओके, हमने इसमें वेरिएबल्स तो पास ही नहीं किए, जो ये देखिए जो स्क्रिप्ट है इस पे हमें दोनों पैनल देने पड़ेंगे, एक हो गया ये हो जाएगा गेम पैनल और जो हमारा कैनवास है वो है मेन पैनल ठीक है। तो फिर से इसको रन करते हैं और होम पे आते हैं, और अब की बार अगर हम इस पे क्लिक करें देखिए ये बिल्कुल होम पे आ जा रहा है ना। इसी तरीके से हम साउंड वाले स्क्रिप्ट को भी बना लेंगे, जो ये हमारा साउंड का है ना इस पे भी हमको दो गेम ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, और सेम वही कोड होगा, यहाँ पे आइए पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट प्ले प्ले और सेम ऐसे ही म्यूट म्यूट ओके। अब यहां से ऑन माउस डाउन होगा, अगर माउस डाउन होता है ऑन माउस डाउन हुआ तो क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या इफ गेम मैनेजर डॉट gm डॉट साउंड गेम मैनेजर डॉट gm डॉट साउंड साउंड है यहाँ पे कि कुछ और है, गेम मैनेजर डॉट gm डॉट ऑडियो सोर्स, ऑडियो सोर्स की जगह कुछ और हमने बनाया होगा, अगर है तो क्या कर दो भाई, गेम मैनेजर डॉट जी एम डॉट एडीएस इक्वल टू फॉल्स, मतलब इसको भी फॉल्स कर दीजिए आप, और एल्स में आ जाइए, एल्स में इसको सेट एक्टिव एडीएस डॉट सेट एक्टिव एडीएस डॉट ऑब्जेक्ट गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव और ये हो जाएगा आपका False. ठीक है, और इस चीज को इस वाली कंडीशन में ट्रू कर देंगे, ट्रू कर देंगे। बाकी बचता है हमारा प्ले और म्यूट, तो प्ले को क्या करेंगे, प्ले डॉट सेट एक्टिव इसको हम कर देंगे फॉल्स, और यहाँ पे म्यूट डॉट सेट एक्टिव कर देंगे ट्रू, और इसका जस्ट रिवर्स कर लेंगे यहां पे, ये हो जाएगा
फॉल्स ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने एक गलती की है कि ये जो एड्स है ना, ये एड एडीएस डायरेक्ट यूज नहीं करना है, हमें गेम मैनेजर में एक और चीज बनानी पड़ेगी, पब्लिक बोल, और उसका नाम दे सकते हैं साउंड, और इसको बाय डिफॉल्ट ट्रू रखेंगे। ठीक है, और जब ये हमारा प्लेयर पेज पे ये मूव कर रहा था ना यहाँ पे, तो ये प्ले करने से पहले एक इफ की कंडीशन में हम चेक कर लेंगे कि गेम मैनेजर डॉट जीएम डॉट साउंड साउंड है ट्रू, तभी इसको प्ले करो, अदरवाइज मत करिएगा। तो इसी गेम मैनेजर डॉट साउंड को हम यहाँ पे अपनी इस साउंड वाली स्क्रिप्ट में सेट एक्टिव फॉल्स कर सकते हैं, या डायरेक्ट इस तरह से साउंड इक्वल टू फॉल्स, और वहां पे फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अब हमारा साउंड बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। आइए यूनिटी पे चलते हैं एक बार और, इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। ठीक है, गेम मैनेजर अभी सही है। सो हाइट देख लेंगे हम लोग क्या हो रहा है दिक्कत। ट्रांसफॉर्म को क्या कर दीजिए, रीसेट। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लग गया था गलती से, और उस वजह से वो कहीं और डिस्प्ले हो रहा था, हमें विजिबल नहीं हो रहा था। फ्रेंड्स काफी हम लोग परेशान हुए इसके लिए, सॉरी। हाँ बट इसको अनम्यूट कर दिया, और अभी हम अपने साउंड पे आते हैं। तो यहाँ से ये प्ले वाला हट गया है, तो इसमें डाल देते हैं म्यूट में, और अभी हम इसको यहाँ से गेम पैनल को हाइड कर देते हैं, कैनवास को ओपन करते हैं। देन आप देखिएगा क्या भी ये परफेक्टली चलेगा, है ना। यही चाहिए था, उस पर ट्रांसफॉर्म लगा था तो वो कहीं बाहर जा रहा था, सो हो रहा था, वो चीज हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा साउंड यहाँ से बंद हो जाएगा प्लेयर्स का, और ये जो हमारा है ये हमारे होम पे आने के लिए है कि आप प्ले कर रहे हैं, देन आप अगर होम पे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एक जो मैं प्रॉब्लम दिखा रहा था वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे थी। एक्चुअली मैं हमको यहाँ पे सीन मैनेजर में लोड सीन दोबारा से करना पड़ेगा, और ये सीन मैनेजर बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा था। तो या तो आप सही लिख लें और इस तरह से हेल्प लें, यूज करना पड़ेगा ये सीन मैनेजर का हेडर, तो ये एरर चली जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा गेम रीसेट हो जाएगा जब हम दोबारा से होम स्क्रीन पे आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए ये सब हमारे गेम है ना, सीन के ही पार्ट हैं, और जब मैं इसको रन करता हूँ इस पे आता हूँ, और दो जब इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये रीसेट हो गया सीन, जिससे हमारा पूरा गेम जो कुछ भी था वो खत्म हो गया। अब अगर कोई प्ले करेगा तो ये नया गेम चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने इस ट्यूटोरियल को यहां तक फॉलो किया है तो इसका मतलब ये है कि आप गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस ट्यूटोरियल में तो मैं आपको लूडो गेम पूरा कंप्लीट दे रहा हूं, जिसमें आप ऑफलाइन फ्रेंड्स के साथ, कंप्यूटर के साथ, वन प्लेयर, टू प्लेयर और थ्री प्लेयर, फोर प्लेयर के साथ प्ले कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट हाँ, अगर आप एडवांस लेवल पे सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन गेम बना लूं, या अपने गेम में कुछ क्वाइन सिस्टम हो जाए जिसमें लोग पैसे लगाएं उसके बाद एक दूसरे के साथ प्ले कर सकें, या टूर्नामेंट टाइप का कुछ आप बनाना चाहते हैं, तो वो चीजें इस पे नहीं होंगी। अगर आप इस एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑनलाइन गेम बना सकते हैं,
कैसे कॉइन सिस्टम बना सकते हैं, कैसे टूर्नामेंट वाले एनवायरनमेंट को अपने गेम के अंदर इनबिल्ड कर सकते हैं, और कुछ इस तरह से हमारे जो मान लीजिए प्रोफाइल्स हो गया, पासवर्ड चेंज करने का सिस्टम हो गया, लॉग आउट करने के बाद लॉग आउट हुआ इस तरह से एनिमेशन आया, देन एक लॉग इन स्क्रीन आ गई। इसी तरीके से हम इसमें साइन अप का भी बनाएंगे, लॉग इन बनाएंगे, कोई भी अपना कॉन्टेक्ट और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकता है। यहाँ पे अपनी डिटेल दिया, ये नंबर मेरा नहीं है तो डोंट इस पे कॉल मत करिएगा। कुछ पासवर्ड में गलत हो रहा है, एक मिनट। यस, देखिए इस तरह से लॉगिन होने के बाद इस तरह से सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। तो अगर इस टाइप का आप गेम बनाना चाहते हैं तो आपको कोर्स में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाएं और कोर्स को ज्वाइन कर लें। वो कोर्स हमारा 1 मंथ का होगा, 1 to 1 लाइव क्लास करेंगे, जहां पे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप डायरेक्टली पूछेंगे और हम उसको आपके सिस्टम पे एनी डेस्क वगैरह के थ्रू सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स आप जाएं और कोर्स को ज्वाइन करें। वैसे तो कोर्स की कॉस्टिंग 6,000 है, बट आप यूज कीजिएगा लूडो 60 तो आपको लगभग 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो टाइम के साथ जितना डिले करेंगे हो सकता है डिस्काउंट कम होता जाए या खत्म भी हो जाए। बट अभी आप लूडो 60 को यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं, लगभग 60% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और बस इसके बाद एडवांस लेवल पे गेम डेवलपमेंट करते हैं और इस गेम को पूरा कंप्लीट ऑनलाइन टूर्नामेंट के साथ बनाएंगे, और इससे आप अपने ऐप की मार्केटिंग कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।